नमस्कार, आप देख रहे हैं आठ भट्ट न्यूज। खबर मुजफ्फरपुर से है। बीते दिनों विधानसभा में विधायकों के साथ घटी घटना को लेकर मुजफ्फरपुर में पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए राजद के पूर्व मंत्री सह मुजफ्फरपुर जिला राजद प्रभारी शिवचंद्र राम ने कहा कि दलित महादलित पिछड़ों और अति पिछड़ों विधायकों को टारगेट कर जिस तरह से नीतीश सरकार के पुलिस एवं उनके कर्मियों ने पिटाई किया है और घसीटा है, जो देश भर में शर्मसार करने वाली घटना थी और उस दिन देश भर में इस घटना की निंदा हुई है। देश में ऐसा कोई राज्य नहीं जिसमें सदन के अंदर बाहरी पुलिस जाकर माननीय को मारे और उनका तार तार करे। आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। देखिए, कल का जो अध्याय है वो काला, ये देश के लिए काला अध्याय है। देश में बिहार का नाम शर्मसार हुआ है कि माननीय किसी भी सदस्य को नाम से पहले माननीय लगता है। अब माननीय को बाहर से पुलिस बुलाकर उस तरीका का बेरहमी के साथ पिटाई करना और सदन के भीतर घुस कर कर करके और महिलाएं के साथ किस तरीका से आपने दिखाया है, देखा है। वो अनीता देवी जी पूर्व मंत्री रही हैं, अभी विधायिका है और नुनिया समाज से आती हैं, अति पिछड़ा समाज से आती हैं। सतीश दास जो है वो महादलित समाज से आते हैं, सुरेंद्र राम महादलित समाज से आते हैं और अन्य हमारे जो लोग हैं, ये सारे दबे कुचले शोषित पीड़ित हैं। इन्हीं लोगों को टारगेट बनाया गया और लोगों को भी माननीय सदस्य को जिसको जहां जैसा मौका मिला उसको कूच देने का काम किया। आज तक देश के इतिहास में कोई ऐसा देश में कोई ऐसी राज नहीं है जिस राज में कहीं सदन में घुसकर बाहरी पुलिस जाकर करके और उसको जो है कि मान लेते हैं कि माननीय को जो है तार तार किया हो, लाठी से मारा हो, घसीटा गया हो और उसकी बेइज्जती की गई हो। तो ऐसे परिस्थिति की इसकी कड़ी हम निंदा करते हैं और इस तरीका की इसकी जाँच होनी चाहिए। वो कौन लोग हैं, किसके बुलावे पर वह आया और आ करके इस तरीका का जो है कि घटना को अंजाम देने का काम किया है। आखिर आपके विधायक ने किया ऐसा क्या था जो इस तरह की, ये देखिए, ये तो कि इसने जो है कि जो बिल जो लाया गया था, जो पुलिस बल जो कानून का जो बिल था, उस बिल में संशोधन करने के लिए हमारे कहने का विपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार कर रहे थे कि आप इस बिल में इसका जो है कि संशोधन आप करिए। जो बिल है ये आज आपके पुलिसिया जुल्म हो रहा है राज्य में। पुलिस ऐसे ही भयानक मान लेते हैं कि रूप लेती है और ऐसे ऐसे लोगों को जो सही न्याय मिलना चाहिए वो पुलिस न्याय नहीं दे पाती है। आज भी ऐसे ऐसे लोग इस राज्य में हैं जो दबे कुचले शोषित पीड़ित हैं, जो आज थाना का चक्कर काट रहे हैं, अनुमंडल का चक्कर काट रहे हैं, SP ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, IG DIG के यहाँ चक्कर काट रहे हैं, DGP के यहाँ चक्कर काट रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। अभी आप कानून ला रहे हैं कि बिना कुछ किए हुए पुलिस जिसको चाहे जखनी चाहे उसको पकड़ सकती है, जेल में बंद कर सकती है, छोड़ सकती है। तो ऐसे के लिए यह इसमें सबसे ज़्यादा प्रताड़ित कौन लोग हो सकता है। इसके लेकर के विपक्ष ने कहा कि इसको आप बढ़िया से समझिए, सोचिए और सोच कर कर करके इसमें संशोधन करिए और संशोधन करने में पक्ष और विपक्ष दोनों मिल कर कर करके इसको संशोधित कर कर करके अभी नहीं होगा, अगले सत्र में फिर लाइए। आखिर क्या कौन सी हड़बड़ी थी, क्या कारण था जो इस तरीका को आप बिल ला कर करके और आपके और आपने जो है कि उन विधायकों को जो है विधायिका को है आपने जो है कि लत्तम जुत्तम, ये देखिए आप देख सकते हैं। हम बधाई देना चाहते हैं जो टीवी के भाई हमारे चैनल के जहाँ यूट्यूब के जो हमारे जो साथी हैं उनको बधाई देना चाहते हैं। ये पुलिस पदाधिकारी वर्दी में है और लाश से माननीय को मार रहा है, बताइए, सदन के बाहर लाश से मार रहा है। विधायक को बाहर मारते हुए ला रहे वो कौन है, सादे उजले शॉर्ट में? अरे वो तो कहने का मतलब पदाधिकारी है, वो पदाधिकारी बताइए सादे लिबास में आकर कर करके और हत्ता मुक्का कर रहे हैं, ये काम है क्या? SP और DM का काम यह है क्या? माननीय की क्या रणनीति है? ये देखिए, जब तक यह जो है कि इसकी जांच होनी चाहिए, जब तक इसकी जांच नहीं होगी और दोषी लोगों को पदाधिकारी को जिसको इसको दंडित नहीं किया जाएगा, तब तक राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन सड़क